अस्सलाम वालेकुम, कैसी वालेकुम अस्सलाम। हैं आप? मैं ठीक हूँ। आए बैठे। नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहें, आपने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। कैसी गलती? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप वहीं रहती तो देखिए, ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं वहीं रहूंगी जहां मेरे शोहर होंगे ना। वहां भी तो वो आपके साथ थे ना। हाँ, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ वहां रहूं जहां उनका पूरा खानदान है, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं बेगम सैफुर्रहमान हूं। वाह, बहुत शौक है आपको बेगम सैफुर्रहमान बनने का। बेगम सैफुर्रहमान तो मैं हूं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। चंद रातें सरदार साहब के साथ गुजार कर आप बेगम सैफुर्रहमान होने का दावा कर रही हैं। देखें, अब आप ज्यादती कर रही हैं। आप जैसी सैफुर्रहमान की जिंदगी में बहुत आई और बहुत चली गई, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। ये तो वक्त बताएगा। क्यों साथ? अम्मी जान प्लीज कह दीजिए इन्हें, सरदार साहब की जिंदगी में हमेशा से हम थे और हम ही रहेंगे। रायमा प्लीज आप अपने कमरे में जाइए। नहीं नहीं, बोलने दीजिए इन्हें, कहने दीजिए जो ये कहना चाहती हैं। आपने बेटी की शादी करनी थी, अपनी रचा कर आ गए। बताओ कब करनी है, कर देते हैं। बेटी की शादी पे लोग आपकी नई नवेली दुल्हन को देखेंगे तो? आपका मसला नहीं है, मैं संभाल लूंगा सब। हमारा मसला है सरदार साहब, सब लोग हमसे सवाल करेंगे। आप खामखा इस बात पे परेशान हो रही हैं। मैंने अपने अहबाब में उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, किसी को कोई एतराज नहीं है। लोग मुंह पे तो नहीं कुछ कहते, पीठ पीछे तो बादशाहों के भी गिले किए जाते थे। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किधर जा रहे हैं? मैं उसके पास जा रहा हूं जो मेरे मूड के मुताबिक मुझसे बात करती है, आपकी तरह ताने नहीं देती हर बार। नई नवेली सिर्फ 4 दिन की होती है सरदार साहब। बेगम सरकार हमेशा नई नवेली दुल्हन रहे, ये याद रखना। और वो सुना नहीं है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो क्या हम अपने आप को बेवा समझें? जो आपकी मर्जी।